Bismillah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-rahman ar-rahim. I am highly grateful to Almighty Allah. The dream comes true. एक ख्वाब था जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हुआ. ख्वाब मेरा ये था कि एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए जिसकी अशद ज़रूरत थी. आज से कई साल मेरे जहन में ये पॉइंट्स थे जिसके ऊपर बहुत काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल बना के उस पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर दिया है. एक्चुअली लार्ज एनिमल्स के लिए पाकिस्तान लेवल पे कोई हॉस्पिटल नहीं था. मैंने बहुत सारे जानवर देखे, ट्रीट किए, अल्हम्दुलिल्लाह मेजर ऑपरेशन तक किए, फील्ड में बहुत सारे जानवर ट्रीट किए, मगर हर वक्त महसूस ये करते थे कि कभी कभी ऐसे जानवर आ जाते थे जिनको एडमिट करने की अशद ज़रूरत होती थी, मगर हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उसको दर दर उस वक्त चलते रहे. मगर एक जहन में था कि किसी स्टेज पर इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल टाइप अगर बना लें तो बहुत अच्छा होगा और इसमें हमें भी सहूलत होगी और जो जानवरों के मालकान हैं इंशाल्लाह दे विल फील वेरी ईजी. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह पाक से दुआ की कि मेरा मालिक हमें इसमें हिम्मत दे. तो अल्लाह पाक ने हिम्मत दी और कुछ हमारे साथ जो मेरे अच्छे कलीग और मेरे असिस्टेंट हैं उन लोगों ने भी हिम्मत की. हमने आपस में मशवरा किया तो उसके बाद हमने एक स्टेप उठा लिया जिसमें नंबर वन पे अब्दुल रहीम जो कि एक प्राइमरी टेक्नीशियन हैं और माशाल्लाह बहुत हाईली स्किल्ड हैं. अभी तो उसको अच्छी नॉलेज आ चुकी है प्रैक्टिकल के साथ तो उसकी भी बहुत इसने हिम्मत अफजाई की. साथ में डॉक्टर मकबूल अहमद जो कि बहुत आमेस्ट और अच्छे काम करने वाले डॉक्टर हैं उसकी भी हेल्प की. और इसी तरीके से जब हम निकल पड़े तो माशाल्लाह साथ में इमरान भाई ये भी बहुत अच्छा लगता है, असिस्टेंट है जानवरों का, उसने भी हिम्मत अफजाई दी और एक छोटा सा सेटअप बन गया और टीम बना के हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया. तो एक ये छोटा सा ज़मीन का प्लाट लिया, उसमें से हमने अपने दोस्तों बाकी बंदों से भी मशवरा किया जो कि एक खानेवाल शहर में है. खानेवाल एक मेन सिटी है और मेन सेंटर है, बाकी तमाम शहरों से भी इनके लाइंस मिलते जुलते हैं और यहाँ मैंने काम भी किया हुआ था ऑलरेडी. तो अब ये है कि माशाल्लाह हमारा हॉस्पिटल डॉक्टर एस नूनारी एनिमल वेलफेयर हॉस्पिटल के नाम से. इसमें वेलफेयर हमने इसलिए इसको रखा कि इसमें मेरे जहन में ये था कि कुछ जब मैंने फील्ड में गया तो ऐसे मरहल और ऐसे मौके देखे जिसमें कुछ बंदे गरीब थे जो पे नहीं कर सकते थे, स्पेशली उसमें से जो विडोज़ हैं, जो आरफान्स हैं, यतीम हैं या बेवा हैं जो उनकी अखराज फीस के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते थे. देन आई डिसाइडेड दैट आई विल डू फ्री कंसल्टेंसी एज वेल एज फ्री ट्रीटमेंट दो वांट अच्छा ऑफर स्पेशली विडोज एंड आरफान्स. मैंने ये कोशिश की उनकी हेल्प करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह भी कर रहे हैं. बाकी ये एक गाजी जानवर है घोड़ा, उसको पालना, उसकी खिदमत करना ये कार्य सवाल है, कार्य खैर है. इसकी पेशानी में अल्लाह पाक ने हमेशा के लिए बरकत रखी है और ये वो जानवर है इसको देखना भी कार्य सवाब है, इसको किसी स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करना भी, फरिश्तों की नुज़ूल होने के चांसेस होते हैं वो भी आते हैं इसी गेम में, इसी के फंक्शन में जहाँ घोड़े काम करते हैं या जहाँ घोड़े अपने स्पोर्ट्स में शो होते हैं. एक दूसरा ये है कि लार्ज एनिमल्स में जैसे गाय, भैंसे, कैटल एंड बफेलो जो कि बहुत महंगे और एलीट एनिमल्स हैं उनका भी स्पेशली ट्रीटमेंट जो मेजर सर्जरीज हैं सारे बंदे अवॉइड करते थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर भी काम किया
आई हैव डन लॉट ऑफ सी सेक्शंस इन लार्ज एनिमल्स एज वेल एज स्मॉल एनिमल्स स्पेशली इन काउज बफेलोज इवन ऑन इक्वाइन मेयर्स। दूसरा इसके साथ ये था कि स्पेशली गोरों में कॉलिक का बड़ा प्रॉब्लम आता था, जानवर बीमार होते थे, उनके ट्रीटमेंट करते थे इवन देयर कंसल्टेंट्स, मगर जब वो सेट नहीं होते थे तो हमने कोशिश की कि इसके ऊपर कॉलिक सर्जरी। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन कॉलिक सर्जरी विद सक्सेसफुल एंड लैंडमार्क रिजल्ट्स। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए और बाकी भी मैनी सीट्स ट्यूमर्स स्पेशली इक्वाइन में ऑपरेट करके निकाले हैं और जानवर वो ठीक हो गए। तो ये चीज़ें जो है मद्देनज़र रखते हुए फिर कुछ ऐसे हेल्प थे कि बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, इवन हमें कभी कभी प्रोविंस सुबह तो सुबह तक भी चले जाते थे जब हमें कोई छुट्टी का टाइम मिलता था या छुट्टी के दिन होते थे तो वहाँ जाके भी ऑपरेट करते थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे दोस्तों की फ़ोन्स और टेलीफोन्स और उसके मशवरे तो हम देते रहते हैं उनको, उनके ये थे कि कुछ ऐसे केसेस थे जिनको हम एक एक जानवर को ट्रीट नहीं करते थे, नहीं कर सकते थे, फिर उनको मैंने ये कहा कि भाई हमारा ये ऑप्शन है तो उन लोगों ने भी हमें मतदाई दी। तो एक छोटा सा सेटअप बना लिया आने वाले में जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी रन पे शुरू है। तो ये जो हमारे पास अभी कुछ स्टॉक आया हुआ है गोरियों का, इसमें से एक ऑलरेडी हमने गोरी ट्रीटमेंट करके उसको स्टार्ट कर चुके हैं जो कि एक फैसलाबाद से आई हुई थी, वो भी एक बैरन थी। बैरन मीन्स वो जानवर जो आंवला नहीं होता, उसके अंदर कोई पी फर्स वगैरह पड़ी होती है या कोई जूसिस यूट्रस इन्फेक्शन होता है तो उसका ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो इसी तरीके से ये एक थायरोवेट जानवर है जो कि लाहौर से आई हुई है और इसका ये बच्चा जिस वक्त ये आया था तो इसकी ये टांगे कंजिनाटल जो है डिफेक्टेड से कंट्रैक्टेड से इसके, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने सर्जरी की। आज ये जानवर अपने पाँव पे और अच्छे माशाल्लाह जो है ना बिल्कुल सेफ एंड साउंड खड़ा है। पहले इसकी ये इतनी डावर थी, इतनी स्केटर्ड थी कि टांग इसके नज़दीक नहीं आती थी, तो माशाल्लाह आज इसको ये 2 महीने हो गए इधर और 2 महीने के अंदर ये जो डॉक्टर सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी बिल्कुल अपने पाँव भी खड़ा है, थोड़ा सा इसका जख्म रह गया इंशाल्लाह वो जो अल्लाह के पाकिस्तान है। बहुत अच्छा फाउल है फॉल, ये थायरोग्रेड है और पेडिग्रीड है। उसके साथ ये हमारे पास ये दो गोरियाँ आ गई हैं जो कि अपना चौपुर के करीब वाला, ये एंग्लो अरब है जो कि साल डेढ़ से खाली आ रही है भी, और ये गोरी प्योर अरब है जो कि 3 साल से खाली आ रही है। तो जब मैंने इसको डायग्नोस किया तो इसमें भी पारोमेट्रा और एंडोमेट्राइटिस के केस थे, तो इन दोनों को आफ्टर अल्ट्रासाउंड आई हैव आल्सो गिवन अ यूट्राइन एज वेल एज पैरेंटल ट्रीटमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, बेस्ट रिजल्ट्स। आज हम इसको तकरीबन 4-5 डोजेज दे चुके हैं जिससे हमें अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है इसकी। पहले इसके साथ साथ फर्स्ट पीक वगैरह निकल गई थी, अब माशाल्लाह इसमें जो है वो सेट हो गए। तो साथ में ये घोड़ी जैसी है मतलब बहुत अच्छी क्लास वाली घोड़ी है, इसने अच्छा काम किया है फील्ड में। ये घोड़ी बखर सी है जो कि बहुत दूर है यहाँ से, तो वहाँ से इसको भी वही दोस्त था उससे उसको हमने मशवरा दिया, उसने उसको भी किसी ने बताया, फिर इस तरीके से हमने उसको बताया कि हम आपके जानवर के लिए बहुत दूर नहीं आ सकते लिहाजा आप इस जानवर को इधर एडमिट कर दें बैठ दें, हम उसको इनका इंटरटेन करते हैं। तो ये घोड़ी आ गई है, अभी हमने इसको पहले डायग्नोज किया तो ये सेम प्रॉब्लम इसमें भी अच्छा खासा फस और ये स्टार था, इसको DNC वगैरह की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह उसे अच्छे रिजल्ट आए हैं, साफ़ हो गई है, एंटीबॉडी का कोर्स किया हुआ है इसका और ब्लड टेस्ट किए हुए हैं इसको, और साथ साथ भी उसको हमने प्रोफाइलेट डोज भी दिए हुए हैं और डिवॉर्मिंग की हुई है तो ये अच्छा रिजल्ट दे रहे। तो इसने भी अच्छी इम्प्रूवमेंट की हुई है, अब इसमें अच्छी इम्प्रूवमेंट आ रही है और अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह इसमें और उम्मीद है कि ये सेट हो जाएगी, इंशाल्लाह ये सारे जानवर हमला हो जाएंगे कंसीव होंगे ये हमारी कामयाबी होगी। तो इसी बहाने से और इसी मौके से मैं आप सबको भी
एडवाइस दूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा, सजेशन भी दूंगा, जो मेरे सीनियर हैं। तो अगर इफ़ यू आर फेसिंग सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर फील्ड, यू शुड ट्राई योर सेल्फ। अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें कंसल्ट करें, इंशाल्लाह वी विल डू अवर बेस्ट लेवल। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जानवर सेट हो जाएंगे और वो भी सेट हमला हो जाएंगे अगर बैरन है, या अगर आप लोग महसूस करते हैं इफ़ यू आर फेसिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम लाइक सिस्ट, ट्यूमर, सी सेक्शन इवन, आप कंसल्ट करें, इंशाल्लाह वी विल डू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे जानवरों में कर चुके हैं, सी सेक्शन गाय में, भैंस में, गोरी में, शीप और गोट में, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब किए हुए केसेस। तो आप अपनी लेवल पे भी कोशिश करें, अगर आप महसूस करते हैं कि हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हम इंशाल्लाह आपको हेल्प देंगे, क्योंकि जानवर का बचना चाहिए, हम अपनी कोशिश करें, बाकी बचाने वाला अल्लाह पाक है, ऐसे जानवर ज़ाया ना हो। एनिमल ओनर्स उनको डिसऑर्डर ना करें, उनको अच्छा रास्ता दिखाएं, मोटिवेट करें उनको। तो दूसरा ये है कि इस सेटअप में हमने इनको वाटरिंग, फीडिंग, फ्लटी ऑफ वाटर देते हैं इसको, ये इनके वाटर ट्रप्स हैं, फीडिंग ट्रप्स हैं, जो जानवर अपना अपना खाता है, कम्फर्टेबल हैं, इजी फीड करते हैं, वॉल वेंटिलेटेड है, हवा एयरी है, हवा वगैरह आती रहती है, जानवर हंस नहीं होता। फिर बाबू का गर्मियों की वजह से ये हम थोड़ा धूप महसूस कर देते हैं, तो इसके लिए भी हमने ये जो है काम किया ग्रीन इसका चादर का, तो इससे हमने बहुत अच्छे फायदे लिए हैं, साया आ जाता है जानवर का सफर भी होता है। फिर जब हम रात मत में आया जब मौसम ठीक होता है खोल देते हैं, और अल्ट्रासाउंड की भी हमारे पास में फैसिलिटीज हैं, जो जानवर स्पेशली जब उसका पता नहीं लगता कि ये जानवर अब कब हीट में आ रहा है, तो हम उसका ग्रेफन फालिक्यूल्स को जो है मैयत करके हम उसको बता देते हैं कि अब ये ओवुलेट होने वाला है और सिर्फ फॉर कवरिंग है, तो अब जाके आप इस टाइम और इस इतने घंटों के बाद उसको मिला दो। तो इस सेटअप के साथ साथ हमने एक ऑफिस डॉक्टर के लिए बनाई हुई है, जो इधर रेजिडेंट डॉक्टर है, और साथ में एक स्पेशलाइजेशन रूम है जहां हम सर्जरी के सामान को स्पेशलाइज करके इस्तेमाल करते हैं, स्टोर है जिसमें से मेडिसिन और बाकी इनका राशन और कुछ फीड वगैरह ड्राई राशन में रखे हुए हैं, ग्रीन पाउडर में रखे हुए हैं, और वॉशरूम है इनके साथ, के सारी फैसिलिटीज है उस असिस्टेंट के लिए, उस डॉक्टर के लिए, और हमारे लिए रहते लिए। मैं यहाँ कंसल्टेंसी देता हूँ जब हमारे पास कोई केस आते हैं जिस पर हमें कोई छुट्टी का दिन होता है, तो आके हम उसको कंसल्ट करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट है मेरे असिस्टेंट भी, डॉक्टर भी, वो खुद भी वो करते हैं। तो मैं आप सबको भी मशवरा इस मैसेज के ज़रिए दूँगा, अगर आप कोई भी मसला रिलेटेड टू एनिमल्स इफ़ यू आर फेसिंग, आप अपनी तरफ से कोशिश करें उसको, अगर नहीं होता आप टेलीफोन पे कंसल्ट करें, आप जानवर को इधर भेज दें, इंशाल्लाह हम उसका ट्रीटमेंट करके आपको भेज देंगे। अगर आपके पास अटेंडेंट की फैसिलिटीज नहीं है तो आप ऐसे जानवर भेज दें, हमारे पास असिस्टेंट हैं, अटेंडेंट्स हैं, वो इसको रिकॉफ्टर करेंगे। अगर आपके पास अटेंडेंट है तो आप उसको भेज दें, हम उसको इंशाल्लाह रिहाइश भी देंगे और वो बंदा भी कंफर्टेबल होगा, जानवर भी कंफर्टेबल होगा। ग्रीन फॉर्डर के लिए हमने अरेंज किया हुआ है ऑलरेडी, वो फ्रेश ग्रीन फॉर्डर हम उनको देते हैं, स्पेशली अल्फा अल्फा दूसरा जो कि जानवर अच्छी से खाता है, और उनके किसी में इसमें टाइमिंग आती है, कॉलेज ना होने के बराबर चांसेस होते हैं इसमें। 24 आवर्स वी आर प्रोवाइडिंग दी
फ्रेश वाटर बॉडी की प्रॉपर। तो ये छोटा सा अभी एक इसके साथ ही लॉन बनाया हुआ है, जानवर तो इसको इसमें खोल देते हैं कि जानवर ये भी फील करता है, रोलिंग करता है रात पर, और और इंशाल्लाह इन फ्यूचर प्लानिंग में जो है एक ऑपरेशन थिएटर भी बनाएंगे जो मेजर सर्जरीज वगैरह इंशाल्लाह करेंगे, और अल्लाह पाक उसने भी हमें इंशाल्लाह शुरू करेगा। तो यही चंद अल्फाज थे जो मैंने आप दोस्तों को इन्फॉर्म किया और इस मैसेज के जरिए बताया। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ये सेटअप आप सबका है, आप उसे साझा लें और हमें खिदमत का मौका दें, और इंशाल्लाह आप खुश होंगे और हम भी इस काम को, ट्रीटमेंट को, बेज़ुबान जानवर को ट्रीटमेंट करते हुए हम एक इबादत समझते हैं और अपना जानवर समझ के इनको ट्रीटमेंट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जानवर अभी हैं मेरे इस अकाउंटिंग में नहीं आते हैं जिसका हमने ट्रीटमेंट दिया और अल्लाह पाक ने उसको शफा दी है। बड़ी खुशी होती है जब जानवर ठीक हो जाता है, और जैसे ये बताया हुआ था बिल्कुल उस वक्त डिसऑर्डर थे सारे, और अब इसको देख के और हम खुश हो जाते हैं। तो आप सब दोस्तों को यही रिक्वेस्ट है, यही सजेशन है, अगर आपके पास कोई और कोई आइडिया है तो आप हमें दें और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। इसे बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई।